नमस्कार, मैं वैद्य राजेश कोटेचा भारत सरकार आयुष मंत्रालय में सचिव हूं। पांचवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। गुजरात में सचिव हूं। पांचवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। गुजरात एवं राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय, गुजरात के उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, दोनों राज्य के स्थानीय सांसद भी इस समारोह में उपस्थित है। साथ ही हजारों शुभचिंतक तथा स्टेक होल्डर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से आयुर्वेद दिवस मनाना प्रारंभ किया था। यह दिवस धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता है, जो कि भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है और जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद दिवस आयुष क्षेत्र के लिए अपने को जनसेवा के लिए समर्पित करने का अवसर है। अब मैं माननीय श्री श्रीपाद यशो नायक जी, आयुष मंत्री श्री को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, डब्ल्यूएच के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए माननीय संसद सदस्य, विधायक, जामनगर और जयपुर के महापौर, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी, पूरे विश्व से जुड़े हुए आयुर्वेद के चिकित्सक, विद्यार्थी, औषध निर्माता और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का आज धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस पांचवें आयुर्वेद दिवस में स्वागत करता हूं। पांचवें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मान्यवरों का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जामनगर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय तथा आयुर्वेद औषधि शास्त्र संस्था, इन संस्थाओं के समुदाय को इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का स्तर प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को डीनोवो कैटेगरी में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्तर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके करकमलों से इन संस्थाओं का आज नए रूप में लोकार्पण होने जा रहा है। यह देश के लिए आयुर्वेदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इस पहल से आयुर्वेदा की शिक्षा तथा संशोधन क्षेत्र में वृद्धि होगी। सम्माननीय, इससे न ही केवल जामनगर और सौराष्ट्र तथा जयपुर के निवासियों को लाभ होगा, लेकिन पूरे विश्व से आने वाले आयुर्वेदा के छात्र, संशोधक तथा आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए देश विदेश से आने वाले रुग्णों को भी सेवा लाभ होगा। आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति की अपनी एक विशेष विशेषता है, जिसके कारण न केवल रुग्णों को स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, लेकिन साथ साथ अन्य कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। आयुर्वेदा की चिकित्सा अधिक खर्चीली नहीं है और आज इससे लगभग 5 लाख वैद्य पूरे देश में उपलब्ध है। सारी आयुष पद्धतियां मिलकर लगभग 8 लाख चिकित्सक आज देश में उपलब्ध है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विविध राष्ट्रीय स्वास्थ्य उपक्रमों में अंतर्भाव होने से देश के सारे लोगों को कम खर्ची वाली चिकित्सा सहज उपलब्ध होगी। महोदय, वर्तमान स्थिति में पूरा देश तथा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें आयुर्वेदा और आयुष का महत्वपूर्ण योगदान है। आयुष मंत्रालय ने अथक प्रयास किया है, उसके परिणाम लाखों लोग स्वयं को स्वस्थ रखने में यशस्वी हुए हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड के लिए आयुष पद्धतियों के द्वारा जो विविध उपाय योजना की है, उसके परिणाम आधुनिक शास्त्रीय पद्धति के आधार पर जांचने की व्यवस्था करी है। मंत्रालय ने 112 जगह कुल 84 संशोधन प्रकल्प शुरू किए हैं, जिसमें से कुछ पूर्ण हुए हैं और अधिकतर पूर्णोत्तर के मार्ग पर है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से 80,000 दिल्ली पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आयुर्वेदा का सुरक्षा कवच देने का संशोधन प्रकल्प शायद विश्व का सबसे बड़ा जत्था हो सकता है। अभी तक से संशोधनों के आधार पर यह दिखाई देता है कि अल्प तथा मध्यम स्थिति के कोविड के रुग्ण आयुर्वेद उपचार से 2 से 3 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं और 4 से 5 दिनों में लेबोरेटरी टेस्ट भी कोविड नेगेटिव हो जाती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में यह लाभ 2 से 3 गुना अधिक है। इन परिणामों से उत्साहित होकर मंत्रालय के अधिष्ठान संस्थाओं ने इन औषधियों के कार्ययुक्ता के ऊपर संशोधन शुरू किया है, जिससे हम यह जान सकेंगे कि वह आयुर्वेदा की दवाएं किस प्रकार से काम कर रही है और शरीर में इसकी पहुंच कहां तक है। इस अनुसंधान के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधिष्ठान विभिन्न संस्थाओं के साथ सामंजस्य किया गया है और उसके सहयोग से यह अनुसंधान हो रहा है। आयुष की संस्थाओं ने आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी की जोड़ने के लिए भारतीय तकनीकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इससे भी सहयोग प्रस्तावित किया है। इन विविध प्रकार के पहल से हम आयुर्वेदा के प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीकी जोड़ देने के प्रयत्न में है। इस उद्घाटन समारोह के पश्चात मंत्रालय ने कोविड 19 के लिए आयुर्वेद इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें भारत के विविध वैज्ञानिक संगठन, आयुर्वेदा के संगठन तथा विश्व के हर खंड से अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुर्वेदा के ऊपर उनके अनुसंधान प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि पिछले 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से मंत्रालय ने जो अधिक प्रयास किए हैं, उसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में आयुर्वेदा को अधिक से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त होगी, जिससे भारत का भी पूरे विश्व में सम्मान बढ़ेगा। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच को गौरवान्वित किया है। मैं राजस्थान के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने आशीर्वचन से राजस्थान तथा गुजरात के दोनों संस्थाओं का और पूरे आयुर्वेद प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया है। मैं सभी को एक बार पुनः साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति पिछले कुछ महीनों से इस महामारी से लड़ रही है। आयुष पद्धतियों ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि कोविड 19 का इलाज आना अभी शेष है, आयुष क्षेत्र में किए गए और किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इन पद्धतियों में बताए जाने वाले उपाय निवारक उपायों के रूप में अत्यंत कारगर है। आयुष उपचार से कोविड के लक्षणों की गंभीरता कम करने में भी मदद मिलती है, जिससे अस्पताल में रहने की जरूरत कम पड़ती है तथा कोविड के दुष्प्रभावों से निजात पाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आइए अब हम कोविड 19 के संबंध में आयुष उपायों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में एक लघु फिल्म देखें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिग्दर्शन में आयुष मंत्रालय ने कोविड 19 रिसर्च के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड 19 की इस लड़ाई में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने 7,99,000 आयुष चिकित्सकों की मदद से आम आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। इस कठिन समय में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सेल्फ केयर एडवाइजरी, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिशनर्स और नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एवं पोस्ट कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा ने आम जनता को स्वस्थ रहने में मदद की। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लोगों के बीच आयुष संबंधित स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ साथ कोविड 19 उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस ऐप के माध्यम से कुल 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली है। इनमें से 85.1% प्रतिभागियों ने की सूचना दी है, जो जन सामान्य में आयुष पद्धतियों की स्वीकार्यता को प्रतिबिंबित करती है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है।
इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। हम अपने देश की अच्छी बातों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। कोविड 19 के प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा आयुष की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध करने के लिए ICMR, एम्स, DBT, CSIR जैसे अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसी आधार पर चार अलग अलग रसायन औषधियों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची, पिप्पली और एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े स्तर पर किया गया है। आयुष के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान के 112 केंद्रों में कुल 84 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। होम्योपैथी दवा आर्सेनिकम एल्बम 30C, सिद्ध पारंपरिक पद्धति वर्णित औषधि कबसूर कुडनीर एवं यूनानी दवाओं पर भी प्रोफिलैक्टिक अनुसंधान प्रगति पर हैं। आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए IPGTR&A जामनगर और गुजरात सरकार द्वारा धनवंतरी रथ योजना की सेवाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा 80,000 दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए आयु रक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें उनके व्याधिक्षमत्व को बढ़ाने के लिए आयु रक्षा किट प्रदान की जा रही है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कर्मियों में कोविड 19 की घटनाएं और मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान जैसे IPGTR&A जामनगर और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली आदि में कोविड 19 हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए, भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में दूसरे देशों के सामने नजीर बनकर खड़ा रहा। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों को वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार को जान लेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद समन्वित हो जाएगा। धन्यवाद। यह हमारा सौभाग्य है कि आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं। इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी, राज्यपाल राजस्थान आदरणीय कल्याण मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, NIA जयपुर के निदेशक संजीव शर्मा जी, जामनगर संस्थान के डायरेक्टर साहब और तमाम पदाधिकारीगण, मेरी खुशी है कि आज इटरा जामनगर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देना व NIA जयपुर को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का समय चुना है आपके मंत्रालय ने। एक तो भगवान धन्वंतरी जी के आयुर्वेद जनक थे, उनकी जयंती भी है, और दूसरा जो कोविड का 19 का जो असर है पूरे देश और विश्व के अंदर, उस दरमियान में इन दोनों संस्थान के बारे में जो आज नई सोच पैदा होगी वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कोविड 19 के अंदर भी आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है। आयुर्वेद का क्या हमारे मुल्क के लिए बहुत प्राचीन काल से है, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है इसका इतिहास 175 साल पुराना। 175 ईयर के पहले 1845 के अंदर जयपुर में बालाजी के मंदिर में शुरुआत हुई, और 46 के अंदर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनाए।
और 76 के अंदर इसको केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर इसकी जो एक्टिविटी थी, इसका जो प्रभाव था, उसको देखते हुए इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का दर्जा दिया। तब से लगातार राजस्थान में आयुर्वेद को लेकर के जो कुछ भी संभव होता था लगातार पूरा महत्व दिया जाता था। अब जो आपने आज फैसला किया डीम यूनिवर्सिटी का, उसके बाद में अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में अपना सेलेबर बना पाएगा, रिसर्च हो पाएगी, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी श्रीमद पादे जी कह रहे थे। इंटरनेशनल इसको बढ़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जो नेटवर्किंग हमारी है वो इस रूप में बनी हुई है कि चारों ओर आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, इसको हमेशा राजस्थान सरकार ने महत्व दिया है और इसी कारण आपको जानकर खुशी होगी
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है देश के अंदर। इसलिए मैं चाहूंगा इस मौके पर एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद हैं, कि राजस्थान को राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विशेष दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आयुष का सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा है। 5,000 से ज्यादा तो आयुष चिकित्सा केंद्र संचालित है और सभी ढंग से हम देखें तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो ये राष्ट्रीय आयुष मिशन का दर्जा मिलेगा। तो ये आज का जो ये यूनिवर्सिटी का फैसला है और मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा मैं 2-3 सवाल देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी समय बहुत कम है। ड्रग व कॉस्मेटिक एक्ट 40 का जो है उसको संशोधन कर आयुर्वेद स्टोर संचालन में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए। योग व प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को वैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का गठन हो। ड्रग एवं मेडिक रेमिडीज एक्ट 1954 में बदलाव कर जिला स्तर पर भी प्राधिकृत अधिकारी का प्रावधान की अनिवार्यता की जाए। केंद्रीय आयुष नर्सिंग परिषद की स्थापना की जाए और साथ में कोई जमाने में नारी वेद का बहुत बड़ा महत्व था, नारी विज्ञान का आधिकारिक प्रसार किया जाए, क्योंकि राजस्थान इसका बड़ा केंद्र रहा है, वो स्थिति नहीं रही है। और अंत में कहना चाहूंगा आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापना की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी रुचि देते हैं योग के अंदर भी, आयुष के अंदर भी। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर आयुष मंत्रालय और अधिक प्रभावी तरीके से इस मंत्रालय के अंदर जो भी आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सभी तरह के जो सेक्टर है उसको मजबूत करने में राजस्थान में भी वो सहयोग करेंगे। और राजस्थान का मैंने कहा कि 175 साल पहले अगर स्थापना हुई हो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो आज जिस रूप में है, तो 175 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है। और राजस्थान में हमेशा इसीलिए संस्कृत को भी और आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। यह भी हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आज के समारंभ में उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दी है, ऐसे हमारे गुजरात के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल राजस्थान माननीय कलराज मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री आयुष आदरणीय श्रीपाद नायक जी, गुजरात के नायब मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन भाई पटेल, हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी, यहाँ के सांसद पूनम मैडम जी, भारतीबेन सियाल, आयुष के सेक्रेटरी चेयरमैन श्री राजेश कोटेचा जी, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीपाद नायक जी को गुजरात की हमारी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को जो राष्ट्रीय इंपोर्टेंस नेशनल इंपोर्टेंस देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज
धनदशी पावन अवसर है। के दिन देवी शक्ति पूरी शक्ति की उनके द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें शंख चक्र दिव्य औषधि अमृत कलश उसके साथ भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और विराट की हमारी भगवान धन्वंतरी वेदों के उपास देव थे और उसका अवतरण मनुष्य मात्र के दुख निवारण के लिए उनका अवतरण हुआ था और आयुर्वेद के प्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का भी आज अवतरण हो रहा है। ये भी हमारी एक खुशी की बात है। परमपिता ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि रचना के वक्त आयुर्वेद का स्मरण किया था, आयुर्वेद के ज्ञान जो पहले भी था इसलिए स्मरण होता है और जामनगर उसमें पूर्व आयुर्वेद के जो ज्ञान का उनका विरासत और आज नया स्वरूप से समाज के सभी लोगों को आयुर्वेद की वृद्धि के लिए एक प्रस्तुत होने के लिए जा रहा है, हमें बहुत गौरव है, आनंद भी है और मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आयुर्वेद का इतिहास हमारे सौराष्ट्र में गढ़ड़ा और उत्तर गुजरात में पाटण में आयुर्वेद की पाठशालाएं थी और बाद में कॉलेज के युग में जामनगर और भावनगर आजादी के पहले भी आयुर्वेद के महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और वडोदरा में देश की प्रथम महिला के लिए एक आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रारंभ हुआ था और 1967 में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और उसके बाद देश में बाकी राज्यों में भी आयुर्वेद का गठन हुआ। आज गुजरात में 30 से ज्यादा आयुर्वेद कॉलेज कार्यरत है और आयुर्वेद शिक्षा के उपरांत आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने काफी काम किया। जब प्रधानमंत्री भाई मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने आयुर्वेद के विकास के लिए और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी कदम उठाए हैं और मैं मानता हूं कि गुजरात में कोरोना के खिलाफ जो हमारा संक्रमण को रोकने के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें आयुर्वेद औषध हो, आयुर्वेद डॉक्टर हो, आयुर्वेद के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ये आयुर्वेदिक कॉलेज का धन्वंतरी मंदिर यानी कि ये यूनिवर्सिटी जो हमारी है एक विशाल मंदिर की तरह महल और एक भव्य है और यहां प्रथम संशोधन केंद्र भी यहां से शुरू हुआ है और देश के आयुर्वेद क्षेत्र में प्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के स्वरूप में मात्र जामनगर के लिए नहीं लेकिन पूरे गुजरात के लिए एक आनंद और गौरव की बात है और राष्ट्रीय स्तर पर यह एक इंपोर्टेंट स्वास्थ्य संस्था जो राज्य की भूमि पर हमारे यहां हमें प्राप्त हुई है तो स्वाभाविक इनका अधिकतम लाभ काफी मिलने वाला है। विश्व भर के आयुर्वेद विद्वान चिकित्सक वैज्ञानिक ये कार्य करेंगे और उसका ज्ञान का सीधा लाभ गुजरात की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा और इस जामनगर के आयुर्वेद परिसर में हमारे चारों संस्था आज एक छत्र के नीचे आ गई है और आयुर्वेद क्षेत्र को आयुर्वेद चिकित्सा जगत में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाते हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद में हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया इसका स्वीकार कर रही है और यहां से 90 किलोमीटर दूर एम्स का भी राजकोट में जो निर्माण हो रहा है तो ये आरोग्य क्षेत्र में दोनों एक सक्षम संस्थाएं भारत सरकार ने गुजरात को भेंट के रूप में दिया है।
भारत सरकार का फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं और इसके सहयोग से आने वाले दिन में गुजरात एक नई ऊंचाई और नई दिशा प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद औषधों की मांग पूरे दुनिया में आज हो रही है और गुणवत्ता युक्त औषधों और साइंटिफिकली एंडोर्समेंट के साथ एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षण और यहां से जो चिकित्सा और औषधों और रिसर्च के बाद एक आयुर्वेद का महत्व पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जो योग को जिस तरीके से उनको महत्व प्रदान किया ऐसा आयुर्वेद का भी होगा। हमारे पुराना पुराण वेद उपनिषद आयुर्वेद चिकित्सा को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। फिर से मैं गुजरात की जनता की ओर से आज के शुभ दिन पर भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारी इस संस्था को अपने नेशनल इंपोर्टेंस देने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ग्रेबेसियस का आयुर्वेद दिवस संदेश प्राप्त हुआ है। विश्व के प्रमुख स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का यह संदेश विश्व भर में आयुर्वेद के बढ़ते वर्चस्व का द्योतक है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व आयुर्वेद संगठन के डीजी के साथ बात हुई थी, उसी के बाद उनका यह संदेश प्राप्त हुआ है। आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का वीडियो संदेश सुने। Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, dear colleagues and friends, Namaste. Traditional systems of medicine such as Ayurveda can play an important role in integrated, people-centered health services and self-care, but they have not received enough attention. In a WHO report last year, 170 countries reported the use of traditional and complementary medicine, including Ayurveda. Earlier this week, I had the great honor of speaking with His Excellency, Prime Minister Modi. I welcome the Prime Minister's strong commitment to universal health coverage through the Ayushman Bharat initiative and the use of evidence-based traditional and complementary medicine supported by the Ministry of Ayush. I'm pleased to announce that we have agreed to open a WHO Global Center on Traditional Medicine in India to strengthen the evidence, research, training, and awareness of traditional and complementary medicine. This new center will support WHO's effort to implement the WHO Traditional Medicine Strategy 2014 to 2023. Which aims to support countries in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine as part of their journey to universal health coverage and a healthier, safer, fairer world. Finally, I wish you a very happy Diwali. I thank you. धन्यवाद। WHO डीजी ने जो घोषणा करी विशेष रूप से ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, उसके लिए WHO का खूब धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जामनगर के संस्थान का लोकार्पण करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, राजस्थान के गवर्नर श्रीमान कलराज जी, गुजरात के गवर्नर श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आयुर्वेद से जुड़े सभी विद्वानजन, देवी और सज्जनों, आप सभी को धनतेरस, भगवान धन्वंतरी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्वंतरी जी ने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद की रचना भी उनके आशीर्वाद से हुई है। आज के इस पावन दिन आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी से पूरी मानव जात की प्रार्थना है कि वो भारत समेत पूरी दुनिया को आरोग्य का आशीष दें। साथियों, इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष है। आज गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता मिली है। इसी तरह जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में आज लोकार्पित किया गया है। आयुर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इन बेहतरीन संस्थानों के लिए राजस्थान, गुजरात के साथ ही पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये भी प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि WHO ने और अभी WHO के मुखिया और मेरे मित्र
उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर ट्रेडोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का यह सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है, स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को, आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। साथियों, ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। 3 साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। लेह में सोवा रिग्पा से जुड़ी रिसर्च और दूसरे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान विकसित करने का काम जारी है। आज गुजरात और राजस्थान के जिन 2 संस्थानों को अपग्रेड किया गया है वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है। भाइयों और बहनों, कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दायित्व भी बढ़ता है। आज जब इन 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रह भी है, देश के प्रीमियम आयुर्वेदिक संस्थान होने के कारण अब आप और आप सब पर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी है
जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुकूल और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो। मैं शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी को भी आग्रह से कहूंगा कि आयुर्भौतिकी और आयुर्रसायन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए। इससे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल करिकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है। आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्टार्टअप से उनसे भी एक विशेष आग्रह है। देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। साथियों, आप भली भांति ये भी जानते हैं कि इसी साल संसद के मानसून सत्र में दो ऐतिहासिक आयोग भी बनाए गए हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। यही नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की अप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है। इस पॉलिसी की भावना है कि एलोपैथिक एजुकेशन में आयुर्वेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और आयुर्वेदिक एजुकेशन में एलोपैथिक प्रैक्टिसेस की मूल जानकारी जरूरी हो। ये कदम आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी शिक्षा और रिसर्च को और मजबूत बनाएंगे। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आचार्य चरक ने भी कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, आतुरस्य विकार प्रशमनच, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बीमार करने वाली स्थितियां दूर हो। एक तरफ साफ सफाई, स्वच्छता, शौचालय, साफ पानी, धुआं मुक्त रसोई, पोषण, इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में तैयार किए जा रहे हैं। इनमें विशेष तौर पर 12,500 से ज्यादा आयुष वेलनेस सेंटर्स पूरी तरह आयुर्वेद को समर्पित हैं, आयुर्वेद से जुड़े बन रहे हैं। साथियों, वेलनेस का ये भारतीय दर्शन आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है
कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपरिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था तो भारत के घर घर में हल्दी, दूध और काढ़ा जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी घनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संभली हुई स्थिति में है तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग 1.5 गुना करीब करीब 45% बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अदरक ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आयुर्वेदिक समाधानों और भारतीय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेष पेय पदार्थों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स भी आयुर्वेद में नई आशा, नई उम्मीद देख रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयुर्वेद के उपयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी का इस्तेमाल आयुष से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी अभी हमारे साथी श्रीपाद जी ने बताया कि इस समय 100 से ज्यादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। यहां दिल्ली में ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, जैसा अभी आपको विस्तार से बताया गया, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों पर इम्यूनिटी से जुड़े रिसर्च की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टडी हो सकती है। इसके भी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण भी शुरू किए जाने हैं। साथियों, आज हम आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले न्यूट्रिशियस फूड पर भी विशेष बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, गंगा जी के किनारे और हिमालयी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेद से जुड़े हुए पेड़ पौधे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिश ये है कि दुनिया की वेलनेस में भारत ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो। आयुष मंत्रालय इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी।
लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। हालांकि अनेक जड़ी बूटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे यहां जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लगभग 50 औषधीय पौधे हैं जिनकी सब्जियां और सलाद के रूप में खूब उपयोगिता है। ऐसे में कृषि मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो या फिर दूसरे विभाग हो, सभी के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे विश्वास है कि जामनगर और जयपुर के ये दोनों संस्थान इस दिशा में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। आपको, आपके परिवार को भी मेरी तरफ से इस दीपावली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय।